किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे वीडियो की जानकारी है वह है काले धान की खेती। आज हमारे यहाँ पर जो ब्लैक राइस यानी कि काले धान की जो नर्सरी हमने तैयार की थी उसका प्लांटेशन किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएँ जो हैं हमारी काला धान की जो पौध थी उसको लगा रही है। और ये हमारा 1 एकड़ खेत है जिसमें ये देख सकते हैं पीछे ये काला धान लग चुका है। काला धान किसान भाइयों, इस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। और ये जैविक तरीके से जो काला धान हम तैयार कर रहे हैं इसमें हमने क्या डाला, और आप किसान भाइयों अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या डालना चाहिए, बीज कैसे ले, चावल इसका कैसे ले, तो A to Z पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबाएं जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में काला धान। काला धान का जो पौध होता है यानी कि पौध, ये वो पौध मेरे हाथ में है और आप देख सकते हैं ये हमारी पूरे 25 दिन की तैयार हो चुकी है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारी ये 25 दिन की पूरी नर्सरी तैयार होने के बाद उसका आज प्लांटेशन किया जा रहा है यानी कि धान की रोपाई की जा रही है। तो धान का रोपाई करने में जो महिलाएं होती है उनका काफ़ी सहयोग होता है क्योंकि पूरे भारत में अधिकतर जो धान होता है वो महिलाएं ही लगाती है। तो धान लगाने में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर भी महिलाएं ही धान लगा रही है। और जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा 1 एकड़ का खेत है हमारा, इसमें इधर ये जो काला धान है यानी कि ब्लैक राइस की जो वैरायटी है जिसका नाम है काला भाती जो किस्म है, इधर ये लग चुकी है हमारी और इधर जो लगने वाली है चखाऊ किस्म लगने वाली है। तो जो एक काला भाती की आप देख सकते हैं, इसका जो काला भाती का पूरा पौधा होता है ये भी पूरा ब्लैक होता है, ये देखिए आप नज़दीक से, और ये पूरा ब्लैक होता है। इसमें हमने क्या किया तैयारी करने के लिए, खेत की आप 3 से 4 गहरी जुताई कराए। गहरी जुताई करने के बाद अगर आपके पास कुल्डी का खाद या ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें या वेजडी कंपोजर डालें। तो इसमें हमने सड़ी हुई गोबर की खाद और वेजडी कंपोजर डालकर सिंचाई कर दी। सिंचाई करके इसमें जो हमारी पूलिंग होती है जो ट्रैक्टर से इसमें कूल कटवाए जाते हैं रोटावेटर, तो इसमें हमने 3 से 4 बार पानी भरकर रोटावेटर इसमें फिरवा दिया, जिससे क्या हो गया हमारी जो खेत की जो मिट्टी हो जैसे हमारा कीचड़ होता है इस तरीके से बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से कीचड़ बन चुका है। अब इसमें धान की रोपाई की जाएगी क्योंकि जो धान की पौध होती है उसकी जड़ें साफ होनी चाहिए और उसकी जड़ें साफ होने के बाद दोबारा वो प्लांटेशन जब करते हैं तो कीचड़ में उसका क्या जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला किस तरीके से धान की रोपाई कर रही हैं। और किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हम ये जैविक तरीके से कर रहे हैं तो हमने इसमें क्या क्या डाला, और अगर आप इसका बीज या चावल खरीदना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इसका बीज या चावल ले सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हमने इसमें दो बार इसमें कूल कटवाने के बाद ट्रैक्टर चलाने के बाद हमने नीम खली का इस्तेमाल किया। अधिकतर जो रासायनिक तरीके से करते हैं किसान भाई उसमें रिजेंट का प्रयोग करते हैं, फटेरा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने इसमें नीम खली क्योंकि हम जैविक तरीके से इसको लगा रहे हैं ब्लैक राइस को, तो हम इसमें जो हमारा नीम खली होती है उसका इस्तेमाल किया है। नीम खली के साथ हमने वर्मी कंपोस्ट को मिला, जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये नीम खली इसमें डाली थी। तो नीम खली डालने के बाद आप देख सकते हैं ये नीम खली डली हुई है और नीम खली डालने के बाद इसमें क्या हुआ, जो नीम का जो निमोली होती है या नीम जो इसमें डाला गया वहाँ पर उसका रसाव फैल गया और रसाव उसका काफ़ी कड़वा होता है जो एक तो आपका खाद का काम करता है और दूसरा ज़मीन के अंदर हुए जो आपके कीड़े होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। और मैं आपको जैसे कि अब दिखाऊंगा कि नीम खली का हमें कितना फ़ायदा मिला। हमने इसमें नीम खली 1 एकड़ हमारा जो खेत था हमने इसमें 1.5 से 2 क्विंटल हमने इसमें नीम खली का इस्तेमाल किया है। तो किसान भाइयों, आप देखिए जैसे कि नीम खली डाली हुई थी और ये नीम खली डालने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसका जो पानी था ये भी काला हो चुका है। ये देखिए नीम खली है ये, और जितना इसको आप फोड़ोगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा काम करेगी, ये ज़मीन में मिल जाएगी तो पौध लगाने के बाद उसमें खाद भी मिल जाएगा उसको। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर नीम खली का इस्तेमाल किया और अब देख सकते हैं 25 दिन की नर्सरी जो हमने तैयार की थी, अगर उस नर्सरी को कैसे तैयार करें उसकी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक टच करके वीडियो को भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर महिलाएँ धान लगा रही हैं यानी कि ब्लैक राइस लगा रही हैं, और जो हमने इसमें ब्लैक राइस जो लगवा रहे हैं इसको हम 8 इंच की दूरी पर लगवा रहे हैं यानी कि पेड़ से पेड़ की दूरी 8 इंच, क्योंकि इसको ज़्यादा छिद्दा इसलिए रखना पड़ रहा है चौड़ाई, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो 4 से 5 फीट हो जाती है तो इसके गिरने की काफ़ी संभावना रहती है। तो इसको जितना ज़्यादा हम चौड़ा लगाएंगे तो इसके गिरने की संभावना काफ़ी कम बनी रहेगी। तो इसको 8 इंच दूरी पर देख सकते हैं, इसका प्लांटेशन हम जो करा रहे हैं ये 8 इंच दूरी पर करा रहे हैं। और उधर से हमारी जो नर्सरी थी उसको उखाड़ने के बाद हमने क्या किया,
उसकी जो पौध होती है उसको धोया जाता है। धोया इसलिए जाता है जो उसमें पहली मिट्टी लगी होती है उसको बिल्कुल साफ करके और उसकी जड़ों को जो हमारा वेस्टी कंपोज होता है उसमें भिगोकर जिससे जड़ों का उपचार हो जाए, उपचार करने के बाद ही हमारे यहाँ पर ये पौध को लगाया जा रहा है ताकि इसमें कोई रोग ना लगे। और इसके बाद हम इसमें नीम खली के बाद वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, जो हमारा केचुआ खाद होता है उसको डाला जाएगा। इसमें अगर स्प्रे की बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट उसका जो वर्मी वॉश होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उससे क्या होगा, खाद भी लगेगा और इसमें रोग भी नहीं लगेगा। अगर कीड़ या जो अन्य कीट अगर लगते हैं उसके लिए आप मट्ठे यानी कि छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर या आपके पास वो भी नहीं है तो आप नीम के पत्ते, आगरा, धतूरा इन सभी को मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। हमने उन सभी को मिलाकर पहले ही तैयार कर रखा है कीटनाशक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से काफ़ी स्पीड से धान को लगाया जा रहा है और ये देख सकते हैं पूरा खेती ये लग चुका है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला था। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव है, आप उसे लेना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक राइस लेना चाहते हैं, ब्लैक राइस में दो किस्में हैं, एक है चखाव और एक है काला भाती। ये काला भाती की नर्सरी जो होती है वो बिल्कुल ही काली होती है, इसका पेड़ भी काला होता है। और चखाव जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उस पर लेकिन जो बैल आती है यानी कि चावल आता है वो काले रंग का होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, चखाव में और इसमें। और किसान भाइयों, अगर मैं बताऊं कि इन काले चावल का खाने का फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कॉफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसे खाने से आपका शुगर जो लेवल होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपका जो कैंसर है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। ये आपके जो खून होता है यानी कि रक्त को शुद्ध करने में भी काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा इसके कई सारे गुण हैं जो मैं आपको बता, अगर गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि कितना सबसे महंगी जो खेती है, खेती में जो सबसे महंगी खेती है वो ब्लैक राइस की खेती है जो हमारे यहाँ पर की जा रही है। किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती ज़रूर करें और इसके जो चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे ज़्यादा ना थोड़ा का इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो कैल्शियम, आयरन, यहाँ तक कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो जो सामान्य चावल होता है उससे कभी अधिक मात्रा में होता है, तो इस वजह से आप इसका इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाकर हमें मैसेज करें, मैसेज करके हमें फॉलो करें, मैसेज करें और हमसे जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, जल्दी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।